हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। गाइस, हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कब बजाज अपनी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक इंडियन मार्केट में उतारेगा, कब 300, 400, 500 सीसी की जो बाइक है वो इंडियन मार्केट में बजाज की आएगी। हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो फाइनली दोस्तों वो जो दिन है अब वो दिन सामने आ चुका है। गाइस, आपको बताना चाहूँगा कि बजाज की तरफ से एक एप्लीकेशन नंबर आया है जिसमें दोस्तों जो बजाज की बाइक का नाम आया हुआ है ट्विनर के नाम से दिया गया। दोस्तों, अब ये जो बाइक होने वाली, कितनी सीसी होने वाली है, क्या प्राइस आएगी, कब तक आएगी, सारी चीज़ आपको कंप्लीट आज की इस वीडियो में बताने वाला। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्किप मत करना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। प्लस चैनल पे एक बाइक का गिव अवे चल रहा है जो कि मैंने 2 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है। अगर चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करो, 2 लाख तक पहुंचाओ और गिव अवे के विनर बनो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को नहीं याद है तो मैं आपको बता दूँ, कुछ दिन पहले बजाज और ट्रैम जो है दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था कि ये लोग मिलकर अपनी बाइक बनाएंगे, जिसमें आपको पता है कि बजाज पहले से KTM के साथ में कोलैबोरेशन कर रखा है। आपको पता है कि जो KTM की बाइक है इंडियन मार्केट में, वो बजाज की तरफ से आती है और बजाज के प्लांट में ही बनती है। लेकिन कुछ दिन पहले ट्रैम के साथ भी बजाज ने कोलैबोरेशन किया, जिसमें आप लोगों को इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट की बाइक देखने को मिलेगी। तो आप लोग दोस्तों, आप वीडियो में एक फोटो देख पा रहे होंगे जिसमें आप लोगों को बजाज ऑटो लिमिटेड प्रोप्राइटर लिखा है, वर्ल्ड मार्क नंबर लिखा हुआ है, ट्विनर के नाम से बजाज की बाइक आने वाली है, जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी बाइक देखने को मिल सकती है। जिसमें दोस्तों, अगर आप कह सकते हो कि इस बाइक को बनाने में 3 कंपनी का हाथ होने वाला है, और वो है दोस्तों बजाज, KTM और ट्रैम, ये तीनों मिलकर एक बहुत ही अच्छी बाइक बनाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, अभी ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई कि बजाज की जो बाइक है वो कितनी सीसी की होगी, लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है कि ये जो बाइक है वो 200 से 700 सीसी के आसपास की हो सकती है। जी हाँ, 200 से 700 के बीच के आसपास की आपको ये बाइक देखने को मिलेगी सीसी वाइज, ठीक है। लेकिन ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि जो बाइक रहेगी वो डुअल सिलेंडर के साथ में रहेगी। जी हाँ, ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि बजाज की जो ये बाइक होने वाली है वो ट्विन सिलेंडर के साथ में होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो बाइक है ना भाई, थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट की आपको बजाज की तरफ से देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं हम इस बाइक के थोड़े स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इस बाइक में लगभग 490 सीसी का पैरेलल ट्विन मोटर इंजन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, मतलब कि 490 सीसी का पैरेलल ट्विन यानी कि डुअल सिलेंडर इंजन जो है इस बाइक में देखने को मिल सकता है, जो बजाज की टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा जो पावर रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा। इसमें आपको लगभग 45 PS के आसपास का पावर देखने को मिलता है। जी हाँ, 45 से 48 के बीच में आपको पावर देखने को मिलेगा और लगभग 38 से 40 के आसपास का न्यूटन मीटर जो टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलने वाला है। मतलब भाई, जो बाइक रहेगी काफ़ी पावरफुल रहेगी और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में रहेगी। दोस्तों, अगर इसकी डिज़ाइन के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि RS से थोड़ी सी सिमिलर रहेगी, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से सुन रहे थे RS के बारे में भी कि जो RS है वो 400 सीसी के साथ में इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। बहुत दिनों से ये चीज़ भी हम सुन रहे थे, तो हो सकता है दोस्तों ये जो बाइक होगी ये RS से थोड़ी सी आप लोगों को मिलती जुलती देखने को मिल सकती है इसका जो डिज़ाइन होने वाला है। लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि फ्रंट में आप लोगों को इसमें डुअल LED प्रोजेक्टर लाइट के साथ में ये बाइक होने वाली है। लेकिन दोस्तों, इंडियन मार्केट में आपको पता है कि भाई जो लोग वो कम प्राइस की बाइक को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भाई इतना ज्यादा बजट नहीं होता। फिर भी दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि बाइक का जो प्राइस होगा वो ऑलमोस्ट मान लीजिए लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल सकती है। जी हाँ, 2,50,000 से 3 लाख रुपए के आसपास की ये बाइक एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 2 सिलेंडर बाइक है, थोड़ी पावरफुल बाइक रहेगी, बड़ा इंजन रहेगा, तो जो भाई प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर मिलने वाला है, फुली LED लाइट देखने को मिलेगी, डुअल चैनल ABS रहेगा, प्लस दोस्तों बाइक का जो लुक है ना वो आपको बहुत ही अच्छा फेयरिंग देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये फेयरिंग रहेगी, नेकेड तो नहीं रहेगी, ये बात सामने आ चुकी है। जी हाँ, ये बाइक फेयरिंग स्पोर्ट बाइक आपको देखने को मिल सकती है, जो कि RS से थोड़ी सी इंस्पायर्ड रहेगी और शायद KTM की RC 390 से भी थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड हो सकती है। अब दोस्तों, बात आती है लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक लॉन्च हो सकती है। तो कहा जा रहा है दोस्तों, इस बाइक को इंडियन मार्केट में नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ है वो आपको बजाज की तरफ से देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से दोस्तों, बजाज ने बहुत ही अच्छा कदम रखा है कि भाई बजाज की अभी तक कोई भी प्रीमियम बाइक नहीं आती थी इंडियन मार्केट में। 400 सीसी भी ठीक है, बट उतनी खास नहीं थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ट्विनर है ये आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइक बजाज की तरफ से देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में। तो उसके लिए कौन कौन एक्साइटेड है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी एक लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके ना आप मेरे वीडियो अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।